औरंगाबाद में बस लॉकडाउन करना इनका एक ही मोटिव नजर आ रहा है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उठे सूटे कोई ना कोई खड़े हो जाता है। और हमारा ये कहना था कि अधिकारियों के साथ लोक प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है उसमें। हमने कहा था कि ये चार अधिकारी अगर बैठ के अगर ये फैसला कर रहे हैं तो हम कोई गोटियां खेलने के लिए नहीं बने हैं। शहर में आमदार है, शहर में खासदार है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लीजिएगा। और क्या फैसला लिया गया है आपने, आपने कहा है कि नहीं ये खुला रहेगा ये बंद रहेगा करके, सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा करके। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इतने ज्ञानी, तो आपकी मीटिंग से पहले आपका क्या कोरोना के साथ मीटिंग हुई है क्या कि वो मंडे टू फ्राइडे वायरस जो है वो फैक्ट्री पे जाएगा, काम करेगा, सैटरडे और संडे के दिन बाहर लोगों के ऊपर अटैक करेगा, तो सैटरडे और संडे है तो हम बंद करेंगे करके। क्या लॉजिक क्या है आप हमको बताइए ना उसमें, हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी है तो हमको समझाइएगा कि सैटरडे संडे है तो आप सिर्फ बंद कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन और बाकी दिनों के अंदर ये खोला ये बंद। कलेक्टर साहब आपको पता नहीं है कि रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए भी एक महीने का टाइम लगता है, नोटिफिकेशन देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इम्तियाज जल्दी जा रहा है बोला मेरी शादी करा अभी और उन्हें साइन करके दे दे रहे हैं करके, कि थोड़ा सा आप सबको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा उसमें। इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको कि लॉकडाउन करना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी घूम रहे हैं। और लॉकडाउन करने से पहले मोदी साहब से पूछ लेना था कि साहब आपने लाखों लोगों को जमा किए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पे क्या वायरस ने है तो छुट्टी लिया हुआ है क्या, जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर वायरस की छुट्टी। जब तक अच्छे डिसीजन रहेंगे हम साथ देंगे, जब तक नहीं रहेंगे तो खुदा हाफिज। अगर जिन लोगों ने शादी की डेट ले चुके हैं तो उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, अगर कोई अगर शादी करना चाह रहा है तो हम पूरी तरीके से निर्बंध, जैसा फैक्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आपने इजाजत दिए है, क्या बोल रहे हैं कि नहीं फैक्ट्री वाले पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, वही लॉजिक आप शादी खानों के अंदर कर दीजिएगा कि साहब 100 लोगों से ज्यादा कोई नहीं आएगा या 50 लोगों से ज्यादा नहीं आएगा करके। आप अचानक बोल रहे हैं कि नहीं रजिस्टर्ड मैरिज कर दीजिएगा करके, वाह कलेक्टर साहब हाँ बहुत ही अच्छा आपने फैसला लिए हुए है। एक दिन के अंदर आप कलेक्टर है, आपके अंडर में आता है मैरिज डिपार्टमेंट, एक महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अब जिन लोगों ने अपना शादी की पूरी तैयारी कर लिए है वो लोग अगर आज परेशान घूम रहे हैं हमारे पास आइए, हम मदद करेंगे उनको जैसा जिस तरह से करने का है। जो आपने कंपनीज के ऊपर निर्बंध लगाए हैं वही निर्बंध लगाइएगा 50 लोगों के ऊपर, पुलिस वाले रख दीजिएगा उसके अंदर कि कोई बगैर मास्क के अगर आया तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, 50 से 51 हो गया है तो कार्रवाई करो करके। लेकिन ये इस तरह से बैठ के फैसले कर लेने का उसमें, और सिर्फ ये समझने का कि हम अधिकारी है हम कर लेंगे, तो बाकी लोक प्रतिनिधि कोई गोटियां खेलने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। हम भी है तो 20 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं, हमको भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है करके। सिर्फ अगर आप ये समझेंगे कि हम ज्ञानी हैं और हम बताएंगे करके, तो हमारे साथ बैठिए और हमको पहले समझाइए सैटरडे संडे का निर्णय लेने के वक्त वायरस के साथ क्या क्या चर्चा हुई, वायरस ने क्या शेड्यूल दिया आपको कि मैं ये टाइम से ये टाइम पे नहीं आने वाला हूं करके। अब ये तो सवाल हम पूछेंगे ना अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे।